हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम लोग निकालेंगे अननोन वायर का रेजिस्टेंस और इसके बाद में उसी को निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट सबसे पहले जान लीजिए, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर, अननोन गिवन वायर, ये आपका वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है और उसके बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्जेक्ट आपका ये है, इस तरीके से है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। स्टूडेंट्स ये जो मीटर ब्रिज है ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो मीटर ब्रिज का एपरेटस है ये 1 मीटर इसकी लेंथ होती है वायर की, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मीटर ब्रिज। ये एक लकड़ी का ये बोर्ड है, ये देख रहे हो आप लोग, इस बोर्ड पर ये एक वायर बंधा हुआ है 1 मीटर लेंथ का, ये यहाँ से यहाँ तक, और उसी के साथ में अटैच है ये 1 मीटर का स्केल। ये इसमें देखिए एक एल टाइप की पत्ती लगी हुई है, ये एल टाइप की पत्ती एक एंड पर है और दूसरे एंड पर एल टाइप की पत्ती एक और है, ये, और एक ये पत्ती बीच में लगी हुई है यहां पर। तो इन दोनों एल शेप की जो पत्तियां हैं उनके बीच में देखिए एक गैप आपको ये मिलेगा, ठीक, लेफ्ट साइड में गैप, और एक गैप आपको मिलेगा ये राइट साइड में, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड वाला गैप है ये, इस गैप में आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देना है। ऑब्जेक्ट के बाद में आता है एपरेटस कौन कौन से यूज करने होंगे आपको। तो सबसे पहले एक तो मीटर ब्रिज हो गया आपका, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, फिर इसी तरीके से 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम और लास्ट में लिखा हुआ है INF यानी इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट तक का आपको इसमें मिलेगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो एक एपरेटस तो आपका ये हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स, मीटर ब्रिज। इसके बाद में जो मेन चीज है वो है आपका सेल, ये है सेल लेक्लांसी, इसको सेल बोलते हैं। इसमें एक ये रॉड आप देख रहे होंगे, ये बड़ी सी मोटी रॉड है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और कार्बन का जो है पाउडर मिक्स है इसके अंदर, और इसी के साथ में एक ये पतली रॉड इसमें लगी हुई है, ये जिंक रॉड कहलाती है। तो ये जो मोटी वाली रॉड है ये सेल का पॉजिटिव एंड कहलाता है, प्लस, और ये जो जिंक रॉड है ये नेगेटिव का काम करती है, माइनस, ये है। तो सेल का पॉजिटिव ये है, सेल का नेगेटिव ये है, और ये एक पोरस पॉट है प्लास्टिक का, आप देख रहे होंगे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये देख लीजिए, यहां तक ये लिक्विड है, लिक्विड का मतलब ये पानी है और इस पानी में अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड का जो पाउडर होता है वो इसमें हमने मिक्स किया हुआ है, तो ये अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार है। तो एक एपरेटस आपका ये भी हो गया, लेक्लांसे सेल या गिवन सेल, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एपरेटस इसमें जो मेन यूज होता है वो है गैल्वनोमीटर, ये देखिए इसमें लिखा है
गैल्वो, जी ए एल वी ओ, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ये करंट मेजर करता है, इसका एक एंड ये है प्लस का और ये दूसरा एंड है माइनस का, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और आती है, ये की लगी हुई है वन वे की, ये सभी आप लोग जान लीजिए। और इसके अलावा एक ये है जॉकी, ये आप देखिए यहाँ पे एक ये है रॉड टाइप की, ये जॉकी है, इसमें तार बंधा हुआ है। कनेक्शन कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये जितनी चीज़ें अभी आपने देखी ये इसमें एपरेटस का यूज़ करते हैं हम लोग जिनका। तो सबसे पहले मीटर बेस, उसके बाद में आता है रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर आता है सेल लेक्लांसी सेल, गैल्वेनोमीटर, इसी के साथ में एक जॉकी ये जुड़ी हुई है इसी से कनेक्टेड, और ये की लगी हुई है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला गैप है मीटर बेस का, इसमें आप रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दीजिए। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स में ये दो एंड हैं, एक एंड ये है एक एंड ये है, तो पहले वाले गैप का ये जो स्क्रू इसमें देख रहे हो, ये वाला स्क्रू रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से कनेक्ट कर दीजिए। ये सब कनेक्टिंग वायर भी हैं आपके, ये भी ऑपरेटर्स में ही आते हैं। इसके बाद में जो दूसरा एंड है इस गैप का, लेफ्ट हैंड साइड वाले गैप का, ये आप रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दीजिएगा। ये देखिए तार जुड़ा हुआ है, ओके। उसके बाद में ये है सेल, सेल का जो पॉजिटिव एंड है ये मोटा वाला, इसको हमने कनेक्ट किया है की से। ये जो की आप देख रहे हो, की का जो एक एंड है ये देखिए, ये सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और की का जो दूसरा एंड है ये हमने कनेक्ट किया हुआ है मीटर ब्रिज के एक एंड पर, एक स्क्रू लगा हुआ है उससे, ठीक है। तो इतना सर्किट ये कंप्लीट हो गया। अब इधर आइए, ये सेल का जो निगेटिव है ये, इसको मीटर ब्रिज के हमने दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया यहां पर, ठीक है। और ये जो मीटर ब्रिज का दूसरा वाला राइट हैंड साइड का गैप है, इसमें हमने जो वायर, जिसका हमको कि अननोन वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, वो कनेक्ट कर दिया ये। तो पहले गैप में आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा, दूसरे बॉक्स में अननोन वायर रहेगा जिसका हमको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक हीट निकालनी है। इसके अलावा देखिए ये जो बीच में एक पत्ती लगी हुई है ये वाली, एक स्क्रू ये है एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू बीच में है, तो बीच वाले स्क्रू से हमने गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर दिया ये। और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला एंड है निगेटिव वाला, इसको हमने जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है, ये जॉकी है, ठीक है, ये जॉकी हो गया। तो अब इसमें देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका हो गया ये आर, ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस इसका। अब हमको करना क्या है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक कोई छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में हम लोग देखेंगे नल पॉइंट इस वायर के ऊपर। लेकिन उन सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये हमारा कनेक्शन सही है या गलत है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये जो जॉकी है, जॉकी को मीटर ब्रिज के एक एंड पर रखेंगे, जैसे हमने कहीं भी रख दिया। अब उसके बाद में हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए जैसे हमने
एक एंड पर इस जॉकी को टच कराया, ये मैंने यहां पे टच कराया। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में आप डिफ्लेक्शन देखिए, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके बाद में मीटर ब्रिज के दूसरे एंड पे हम आते हैं और जॉकी को राइट हैंड सिरे पर टच कराते हैं। ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए कहीं टच कराया। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो राइट साइड में है ना। पहले लेफ्ट साइड में जा रहा था डिफ्लेक्शन, अब राइट साइड में है। तो जब डिफ्लेक्शन दोनों साइड होने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा कनेक्शन सही जुड़ा है, अदरवाइज कहीं सर्किट में गलती है, हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो कनेक्शन आप चेक कर लीजिए, तब उसके बाद में काम करिए। अब हमको रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल लेना है। सपोज कीजिए हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस इसमें से निकाला। ये देखिए यहाँ पे 1 ओम लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने 1 ओम निकाल लिया। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाला है, ये देख रहे हैं, यहाँ लगा हुआ था पहले, हमने इसमें से रिमूव कर दिया। अब हम जॉकी को इस वायर के ऊपर टच कराएंगे। पहले आप लेफ्ट साइड से टच कराइए और साथ में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व करते जाइए। देखिए लेफ्ट साइड में भाग रहा है ना डिफ्लेक्शन, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। राइट साइड में आप रखिए जॉकी को, ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। जब हम इसको राइट साइड में रखेंगे तो ये दाहिनी तरफ जो है डिफ्लेक्शन होगा इसमें, ठीक है। ये देखिए दाहिनी तरफ हो रहा है ना, पहले लेफ्ट साइड में हुआ था, अब राइट साइड में हो रहा है। अब हम इस जॉकी को ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे इस वायर के ऊपर कि इसमें डिफ्लेक्शन बिल्कुल ना हो, यानी जीरो हो। तो ये देखिए अभी लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए ये राइट साइड में थोड़ा सा मूव किया, फिर हम थोड़ा सा कम करेंगे, पहले लेके आएंगे, अब यहाँ पे और हमने इसको थोड़ा सा मूव किया तो अभी लेफ्ट साइड में है थोड़ा सा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो वाली पोजीशन पे हमको रोक देना होगा। जहाँ पे जीरो आए वहीं पे हम इसको रोक लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस समय ये जीरो रीडिंग दे रहा है, गैल्वेनोमीटर में जो निडिल है वो ठीक जीरो पर है, तो इसी जगह पर हम रीडिंग नोट करेंगे। तो सपोज करो ये रीडिंग आपकी आई 72, ठीक है। तो ये जो 72 है ये हमने केवल अभी माना है, एग्जैक्ट जब आप लैब में आके करोगे तो सही आपको मिलेगा कितना निकलता है। ये हो जाएगी L, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने जॉकी को रखा तो नल डिफ्लेक्शन मिला, तो इस पॉइंट पर जैसे मान लो 67 है या 72 है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का जितना पोर्शन होगा, जितनी लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी L। तो जो बाकी बची हुई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, ठीक है। तो L लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो गया और राइट साइड वाला पोर्शन हो जाएगा 100 माइनस L। अब क्या करना है, अब हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था अननोन रेजिस्टेंस निकालने का। अब देखिए इसके 4 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया R, और जहाँ पे हमने जॉकी का नल पॉइंट निकाला था उसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन एक ये हो गया, और एक राइट साइड वाला हो गया, 3 पार्ट हो गए, और चौथा पार्ट है आपका अननोन वायर का। तो ये आपका 4 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें भी आपके 4 रेजिस्टेंस होते थे, 3 नोन रेजिस्टेंस होते थे और एक अननोन रेजिस्टेंस होता था, और उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पता हैं
रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितना आपने रेजिस्टेंस निकाला वो पता है, ये जो आपने एल निकाली है वो आपको मालूम हो गई, राइट हैंड साइड में 100 माइनस एल करोगे तो वो पता चल गया, तीन चीज़ें पता चल गईं, और चौथी चीज़ आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एक्स, एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट कर लेनी है। और उसके बाद में ये जो वायर दिया हुआ है, ये स्क्रू गेज की सहायता से इसका डायमीटर निकालना होगा, वो मैंने आपको टेबल बताई है, उसमें स्क्रू गेज का जो वायर स्क्रू गेज से निकालना है इसका डायमीटर, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके हो कैसे निकालते हैं। तो इस वायर का डायमीटर निकाल लीजिएगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप इतना पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो हम लोगों से पूछिए, थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने अभी 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था उसी तरीके से 2-3 और रीडिंग ले लीजिएगा, उसके बाद में जब इसका आप मीन लेंगे तो ये आपका जो एवरेज आएगा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, और उसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, एक चीज़ अभी आपने किया था कि राइट हैंड साइड में अननोन वायर को पहले आपने बांध दिया था और लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स बांधा था। अब इसके बाद में आप इसका रिवर्स कर सकते हो, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो गैप है उसमें आप अननोन वायर बांध दीजिए और राइट हैंड साइड वाले में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दीजिए, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालिए और नल पॉइंट ढूंढ लीजिए। तो 2-3 जो है रीडिंग आप इसकी ले लें, उसके बाद में मीन निकाल लें, तब आपका जो है एक्यूरेसी आ जाएगी, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग हो जाएगी एक्यूरेट होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अननोन वायर की। थैंक यू।